हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी कुछ दिनों में वृंदावन जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो ये ब्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि आप लोग ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने इंद्रेश जी का ब्लॉग डाला था कि हम लोग उनके घर पर गए थे और उस टाइम वो वहाँ पे थे घर पे, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए थे। उससे पहले जब एक बार हम उनके घर पे गए थे तो हम उनसे मिले थे। और एक्चुअली उनका कोई आश्रम नहीं है, जैसे सबका आश्रम होता है और अपना घर अलग होता है, इनका घर है, घर में ही उनका नीचे कथा चलती है। तो आज हम आए इंद्रेश जी के घर में और आपको दिखाते हैं क्या कैसा है उनका घर। और हम लोग गए थे तो ये सारी वीडियोस हैं, तो आप लोग पूछ रहे थे कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, क्या वो दीक्षा देते हैं, क्या नहीं देते, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे। वो सारी चीज़ आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी आगे। और यहाँ आप देख रहे हैं, मैं इंद्रेश जी के घर के बाहर खड़ी हूँ, ये है उनका घर। अगर आप मेरो वृंदावन से आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप वो पहुँचना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे, कि आप पहले जाने से पहले कंफर्म कर लेना क्या वो वृंदावन में है नहीं, क्योंकि उनकी हमेशा कथा चलती रहती है, कभी वृंदावन में होती है, कभी वृंदावन से बाहर होती है, ज़्यादातर कथा उनकी वृंदावन से बाहर ही रहती है। शायद अभी इस टाइम वो एक महीने के लिए कैनेडा गए हुए हैं, उसके बाद वो आएंगे तो उनकी शायद अगस्त में जो कथा है वो वृंदावन में होगी, तब आप अगस्त में आके उनकी कथा सुन सकते हो, उनसे मिल भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वृंदावन से जब आएंगे आप आगे, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे आना है। सीधे आएंगे आप प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो लगभग आप सबने देखा होगा, जो जो वृंदावन आए हैं उन सबको पता होगा कि प्रेम मंदिर कहाँ है। प्रेम मंदिर के आगे पड़ता है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के आगे पड़ता है इंद्रेश जी का घर, और उससे अगर आप आगे जाएंगे तो पड़ता है फोगला आश्रम। इनके घर से करीब 500 मीटर आगे पड़ता है फोगला आश्रम। तो ये है इंद्रेश जी का घर, और इंद्रेश जी का घर मैं अब आपको दिखाती हूँ पहले कैसा इनका घर है, आप कैसे पहुँच सकते हैं। और जब आप इनके घर पहुँचेंगे तो आपको बाहर ही उनका जो है बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा कि इंद्रेश जी की उनमें फ़ोटो भी लगी है। अभी जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं ये वो जगह है, आप जाएंगे सीधा हॉल में एंट्री होंगे, यहीं बैठ के वो मिलते भी हैं। ये देखिए यही हॉल है जिसमें बैठ के वो मिलते हैं। उसके लिए आपको एक बार एक दिन पहले जाके बात करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ऐसे ही जाके डायरेक्ट शायद नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हज़ारों की भीड़ लग जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ, और सामने उनकी जो गद्दी है उस पर वो बैठते हैं और सबसे मिलते हैं, जो जो एक दिन या दो दिन पहले आके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अब जैसे आप लोग पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट कैसे लें, क्या अपॉइंटमेंट लेने का कोई पैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने का पैसा नहीं लगता है। हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भक्त लोग बैठ के प्रसादी खा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए प्रसादी खाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ जाते हैं, उनकी कथा चलती रहती है उनके घर में, नीचे ही बहुत बड़ा हॉल है, उसी में उनकी कथा होती है, उनके पिताजी भी कथा करते हैं। अभी इस टाइम इंद्रेश जी की कथा चल रही थी कहीं आसपास, तो वो आए हैं, सुबह सुबह आए थे, तो उनके पिताजी की कथा ही देखिए, सामने उनके पिताजी खड़े भी हुए हैं, आपने देखा जैसे वीडियो में उनकी कथा भी है, और फिर इंद्रेश जी की कथा भी होती है, दोनों की कथा होती है। लेकिन इंद्रेश जी की ज़्यादातर कथा वृंदावन से बाहर ही रहती है, लेकिन जब उनकी कथा वृंदावन में हो तब आप जाइए उनकी कथा सुनिए। और कथा के बाद भी लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको मिलना है उनसे पर्सनली तो आप जाइए वहाँ पे बात करिए, जो भी उनका शिष्य वगैरह हैं, जो देख रेख करते हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उनसे बात करिए, तो वो आपको टाइम बता देंगे, निश्चित समय बता देंगे कि और बता देंगे कि कब वो फ्री हैं, कब मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे पता है कि सुबह के टाइम पे बैठते हैं और लोग उनसे मिलने जाते भी, और हम लोग भी मिलने गए थे होली का समय, जिसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ भी है। इस बार भी इंद्रेश जी थे लेकिन हम मिल नहीं पाए, क्योंकि हमें निकलना था और उनसे मिलने के लिए हमें 2 घंटे रुकना पड़ता और अर्जेंट निकलना था हमें आगरा के लिए, इसलिए हम लोग नहीं रुक पाए। और यहाँ पर अंदर बैठ के हमने खाना वगैरह खा लिया, हम आ गए बाहर, और अब कुछ देर बाद नीचे उनकी कथा होगी, बाकी इस कथा की तैयारी। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि लोग कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई पैसा तो नहीं देना होता, या तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे मिलने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। अगर आप जाएंगे आपसे इतने प्यार से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जा चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, और आप जाएं तो उनकी कथा भी सुन सकते हैं। ये देखिए उनकी कथा हो रही है, ये कथा जो है हम लोग गए थे पहले की, तब हम कथा में उनके गए थे, इस बार हम कथा अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास वीडियोस थी
और इनकी कथा थी, होली के टाइम की कथा थी जिसमें हम लोग गए थे और काफ़ी देर हम लोग वहाँ रहे थे उनकी कथा में, और लगभग उनकी 7 दिन कथा चली थी। तो आप लोग जाइए, उनकी कथा सुन सकते हैं जब वो वृंदावन में, और कथा कहीं और नहीं होती। जैसे और किसी का आश्रम होता है, रहते कहीं और है, कथा कहीं और होती है, लेकिन यहाँ पे उनका घर है, घर के नीचे ही बेसमेंट में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, उसमें ही उनकी कथा चलती है। अगर आप वृंदावन जा रहे हो और अगर इंद्र जी की कथा वृंदावन में हो रही है, आप पता कर सकते हैं। आप उनका इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब पे फॉलो कर लेंगे तो आपको टाइम पता लग जाएगा किस टाइम उनकी कथा होती है वृंदावन में, वो किस टाइम है। इस टाइम जैसे कि वो वृंदावन में नहीं है, तो अगर आप जा रहे हैं तो आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, ना ही उनकी कथा हो रही होगी। लेकिन अगस्त में शायद 13 या 4-5 अगस्त के आसपास शायद वो वृंदावन में आएंगे, क्योंकि अगस्त में है, कन्फर्म डेट मुझे भी नहीं पता है। तो आप अगस्त में वो क्या कहते हैं, जब भी आएंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उनके जो भी है इंस्टाग्राम वगैरह पर बता दिया जाता है कि इस डेट से इस डेट तक वृंदावन में उनकी कथा है, तब जाके आप उनकी कथा सुन सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कथा की टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जो कथा की उनकी टाइमिंग होती है वो दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक होती है। 2 बजे से कथा स्टार्ट नहीं होती, मतलब 2 से 3 के बीच कथा स्टार्ट हो जाती है, या आप कह सकते हैं 2:30 से 3 के बीच, लेकिन 2 बजे से मतलब कथा की तैयारियां शुरू होने लगती हैं, लोग आने लगते हैं, पूरा हॉल भर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जाके कथा सुने, तो मैं आपको बता दूँ, आप 2 बजे तक पहुँच जाइए तो शायद आप जाके आगे बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा हॉल भर जाता है और बहुत से लोग तो फिर खड़े होके उनको कथा सुननी पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस समय। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, क्योंकि करीब 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग डाला था इंद्रेश जी का, जिसमें अभी भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग आपके लिए स्पेशली बनाया कि आप कैसे मिल सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट के लिए पैसा नहीं लगता, लेकिन जब वो वृंदावन में हो तब उनकी कथा चलती है, आप जाके कथा सुन लीजिए, वहाँ बात कर लीजिए, आपको समय बता दिया जाएगा, आप मिल लेंगे, और कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है यहाँ पे मिलने के लिए। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि पूछ रहे थे कि कोई किसी को दीक्षा लेनी थी, क्या इंद्रेश जी से हम दीक्षा ले सकते हैं? नहीं, आप इनसे दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि वो दीक्षा देते ही नहीं है। और ये है उनका घर, मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर उनकी फ़ोटो लगी है। आप जाएंगे वृंदावन में, फोगला आश्रम से पहले इस्कॉन मंदिर के बाद, उसके बीच में पड़ता है इनका आश्रम, इस्कॉन मंदिर के बाद आप जाइए, ज़्यादा दूर नहीं है, आप बहुत ही आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, जो जो आपकी क्वेरीज थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में दे दी हैं, जो जो आपकी क्वेरीज थी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे।